हे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभोजित। स्वागत करता हूं सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिव्यूज लेके आ चुका हूं एक लेंस कैप का, जो कि है सिलिकॉन का और ये बनाती है अवस्थी कंपनी। सो कंपनी ने अवस्थी नाम क्यों रखा वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। अवस्थी जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर। तो ये जो है आपके लेंस को तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, साथ में जो है आपके लेंस कैप की तरह भी वर्क करता है, जो कि पूरा पूरा सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात का कि ये जो है ना पूरा पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। ये आप चाइना वाला यूज करेंगे वो जो है नॉर्मल रबर का बना हुआ होता है और वो कुछ टाइम में डिग्रेड होने लगता है और आपके लेंस को खराब कर सकता है। पर आप जो है ये सिलिकॉन वाला लेंगे ना तो ये आपका बहुत टाइम तक चलेगा और बिल्कुल भी आपके लेंस को खराब नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता है। और साथ ही साथ में ये जो है ना वॉशेबल भी है, आप इसको वाटर में वॉश करके फिर से जो है यूज कर सकते हैं अगर ये गंदा हो जाता है तो। और दूसरी बात ये है कि आपके लेंस को जो है डस्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो मेरे पास ये 2470 वाला लेंस है। तो इसमें क्या है कि इसकी ओपनिंग्स रहती है, जब आप इसको ओपन करते हो क्लोज करते हो तो इसके अंदर जो ओपनिंग रहती है ना उसमें से जो है ना डस्ट पार्टिकल अंदर जा सकता है नॉर्मल लेंस के आप लगे होने पर। पर ये जो है आपके लेंस को जो है ना बैक तक कवर करता है, आप ये देख सकते हो। बैक तक कवर करने की वजह से होता ये है कि ये आपके लेंस को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगा, इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं आने देगा, साथ ही साथ में मॉइस्चर भी अंदर जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि यार ये डस्ट तो बचाता ही बचाता है, साथ ही साथ में भाई अपने मॉइस्चर प्रूफ भी है और सेफ्टी प्रोवाइड कर ही रहा है। उसके बाद एक और चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसको जो है आप अपने लेंस कैप लगा के उसके ऊपर से भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ में अगर आपका लेंस कैप गुम हो गया है तो उसके जगह पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज रहने वाली है और बिल्कुल भी आपके लेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल कंटेंट से बना हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था सिलिकॉन से बना हुआ है। तो ये देख रहे हो आप कितना स्ट्रेचेबल है, तो आपके जितने भी बड़े लेंसेज है या छोटे लेंसेज है उनका जो आगे वाला जो है हिस्सा है उसको तो कवर कर ही देगा। जो बड़े लेंसेज होते हैं जैसे 2470 हो गया, उनको भले ही पूरा पूरा कवर नहीं करे, पर जो 24-120 mm मेरे पास लेंस है, आप ये देख सकते हो बहुत बड़ा सा लेंस है और इसको पूरा जो है अच्छे से कवर कर रहा है और पीछे तक यहाँ तक जो है कवर कर रहा है, तो इस पर भी डस्ट जाने का बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके रबर जो है जिसमें अपने जूम इन जूम आउट होता है जो रिंग है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो भी जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। साथ ही साथ में एक और अच्छी चीज़ बताता हूं मैं आप लोगों को, ये जो है ना शॉक प्रूफ है, साथ ही साथ में ये जो है ना अपना स्टैकेबल भी है। तो आप ये देख सकते हो ये पूरा बॉम्ब जैसा दिख रहा है, 35 mm का लेंस है जिस पर मैंने इसको उल्टा करके चढ़ाया है और आगे की तरफ इसको सीधा करके चढ़ाया है। तो इससे क्या हो रहा है, एक पूरा जो है कवरिंग हो गया, इसमें कुशनिंग हो गई है, तो ये कहीं पर भी दबेगा तो भाई आपका जो लेंस है ना वो खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुशनिंग बन चुकी है अच्छी। और साथ ही साथ में ये पूरा पूरा एक सीलेंट बना चुका है जो कि वाटर रेसिस्टेंट है। आप अगर इसके ऊपर पानी गिराएंगे ना तो इसको कुछ भी नहीं होगा, लेंस को ये पूरा पूरा जो है सहलेगा, अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है सीलेंट बन चुका है इसमें बैक साइड और फ्रंट साइड से जो है इसको लगाने के बाद। और ये पूरा जो है बॉम्ब जैसा दिख रहा है, आप ये देख सकते हो, जो कि बहुत ही मेरे को एक अच्छी चीज़ लग रही है कि यार लेंस को ऐसे भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी एरिया में जा रहे हैं कहीं पर जहाँ पर कि आपका धूल उड़ रहा हो, या फिर यार आप किसी मतलब ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो, बर्फ़ गिर रहा हो या पानी वानी थोड़ा सा वाटर रेनफॉल हो गया है, तो आप अपने लेंस को ईजिली जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो इससे, जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है इस चीज़ की। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ, तो होता क्या है यूजुअली जो बड़े जो हमारे जो कैप्स होते हैं उसको हम जब जेब में रखते हैं अपने, तो होता है कभी हम बैठ के शूट कर रहे होते हैं या खड़े होकर शूट कर रहे होते हैं तो होता है कि वो चुप जाता है हमको। तो इट्स लाइक ये सिलिकॉन अगर आपके पास रहेगा, इसको आप अपने जेब में डालेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी ईजिली हो जाएगा। तो रही हुई ना बात ये कि भाई आपका जो लेंस है वो तो प्रोटेक्ट हो रहा है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प भी करेगा। उसके बाद आपने देखा कि भाई ये जो है ना मेरे कुछ फ्लैशेज में भी चढ़े हुए हैं, ये देख रहे हो आप, ये दो फ्लैशेज है मेरे पास में, एक ये जो है ना ट्रांसपेरेंट डिफ्यूजर टाइप जो है वो चढ़ा हुआ है, दूसरा जो है मैंने ग्रीन वाला चढ़ाया है। इसका भी एक बेनिफिट आप उठा सकते हो ये कि इट्स लाइक इसको जो आप डिफ्यूजर की तरह कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, टेम्प्रेरी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे गाइस। टेम्प्रेरी टाइम के लिए मतलब समझो 8-10 शॉट आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करोगे तो एक दिक्कत ये हो सकती है कि इसमें से कहीं से भी एयर वेंट नहीं है जहां से हवा निकल सके। तो होता है ये कि जब फ्लैश फायर होता है तो थोड़ा सा हीट होता है, तो हो सकता है मैट बी पॉसिबल कि यार आपका जो फ्लैश है वो हीट हो जाए और कुछ डैमेज हो, तो इसलिए कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको कलर जेल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसा
ये देख रहे हो कि ऊपर जो है ग्रीन कलर का चढ़ा हुआ है, तो इसको अगर मैं फायर करूंगा तो इसमें ग्रीन कलर जैसा थोड़ा सा इफेक्ट निकलता है, जो कि मैंने टेस्ट आउट किया है। वो भी जो फोटोज है वो मैं आपको डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसी फोटोज को, अभी वीडियो में दे दूंगा मैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो, वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज रहने वाली है। साथ ही साथ मैं एक और चीज बताता हूँ, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कभी देख सकते हो पिंक कलर है, ब्लैक कलर है मेरे पास, ये येलो ब्लू ट्रांसपेरेंट वाला जो डिफ्यूज कलर होता है वो, उसके बाद आप ये देख सकते हो ये ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है और ये जो एक ऑरेंज कलर है। तो मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं कि ब्लैक कलर लेंगे हम, ब्लैक कलर ऐसा जो है दिखता है और ब्लैक कलर से हो जाएगा, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि यार आप जो है कोई दूसरे कलर्स भी ले सकते हो। क्यों लेना है उसका रीज़न ये है कि कभी कभार होता है कि हम अपने बैग में बहुत सारे लेंसेज रख तो लेते हैं पर हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा लेंस कौन सा है, तो आप जो है कलर से उसको याद रख सकते हो कि कलर से जो है इसमें ये लेंस लगा हुआ है। और इनफैक्ट आपका जो सब्सिट्यूट होता है जिसके साथ आप शूट पे जाते हो, आपको अगर कोई लेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको बोल सकते हो भाई 24-70 की जगह पर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार पिंक कलर का जो लेंस है ना वो लेके आना, तो वो जाएगा फट से देखेगा अपने बैग में पिंक कलर का लेंस है और वो फट से लेके आ जाएगा। सेम विद भाई येलो कलर का लेंस आपका 85mm, आपको याद रहेगा कि भाई येलो कलर में 85mm है, तो आप सीधा जाकर उसको बोलोगे कि भाई प्लीज गो एंड येलो कलर ला के दो मुझे, तो भाई वो जाएगा फट से येलो कलर लेके आ जाएगा। अगर उसको पता ही नहीं होगा 85mm तो वो ढूंढता रह जाएगा कि भाई 85mm कहाँ कहाँ लिखा है क्या है। तो प्रीफरेबली आप ये कर सकते हो कि इसके जो है ना डिफरेंट कलर्स आप मंगवा सकते हो, डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है और आपको मज़ा भी आने वाला है इस चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज़ करके। इनका सारा जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा आपको और इनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ में इनके वेबसाइट का भी जो लिंक है वो भी दे दूंगा मैं, वहाँ पर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये लोग जो है एक नया प्रोडक्ट और लेके आने वाला है जो कि कैमियो फ्लेक के साथ आने वाला है, तो होगा ये कि आप जो है वो कैमियो फ्लेक वाला प्रोडक्ट जो है उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी बहुत ही शानदार प्राइस रेंज में आने वाला है और एक्सक्लूसिवली इनके वेबसाइट में ही आएगा, तो आप वहां जाके जो है उसको परचेस कर सकते हो, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो जाके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।